देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज रुड़की पहुंचे, वहां उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी हरिद्वार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, विधायक प्रदीप बत्रा, देशराज करणवाल भी मौजूद रहे। इस योजना का मकसद सभी सामाजिक आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों तक बिजली पहुँचाना है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा और वो भी अब बिजली से अपने घर को रोशन कर सकेगा, जिसके लिए बिजली विभाग परिवार को बिजली किट मुफ्त देगा। महाराज ने कहा कि विभाग को अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। वैसे भी उत्तराखंड राज्य ऊर्जा प्रदेश है जहां बिजली की कमी नहीं है। साथ ही इस मौके पर हरिद्वार जिले के 68 लाभार्थियों को विद्युत संयोजनाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। 68 लोगों को बिजली का यह दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, इसमें उनको कनेक्शन दिया जाएगा, पूरा लाभ उनको मिलेगा। और ये बड़ी अच्छी योजना है, सौभाग्य योजना, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ मिलना चाहिए विकास का। तो ये व्यक्ति जो है अंतिम पायदान पे खड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये बहुत अच्छा एक योजना है जिससे कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा है व्यक्ति उसको इसका लाभ मिल रहा है। और ये जहाँ जहाँ सैकड़ों वर्षों से कुटिया के अंदर अंधेरा था, अब वहाँ पर एलईडी का लैंप जलेगा, ऐसा सरकार का जो है मत है और सरकार की योजना है। प्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से संवाददाता अली जैदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।